हॅलो, मेरा नाम है आकाश और ये है मेरे दोस्त साक्षी। तुझ्या हास्यामध्ये जे कृत्य आहे ते सब बात करो आकाश। वैसे तो हम मिलते रहते हैं लेकिन आज का दिन जरा स्पेशल था। स्पेशल क्यों था इसका रीजन आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो साक्षी और मैं जब छोटे बच्चे थे तब हम जूनियर केजी में सेम स्कूल में थे। उसके बाद वो स्कूल छोड़ के चली गई और मैं भी। मुझे लगा हमारा कभी मिलना नहीं होगा लेकिन पूरे 12 साल बाद एक जिम में हमारा एक्सीडेंटली मिलना हुआ। आकाश और मैं साथ में स्कूल गए हैं। हो यार, राइट, बचपन में। हाँ, तो मैं लास्ट बेंचर था और साक्षी फर्स्ट आने की स्कॉलर। और आकाश थोड़े सालों बाद वो स्कूल छोड़कर चला गया क्योंकि उसको वो हमारे स्कूल से प्रॉब्लम था। साक्षी जा रही थी तो मैंने छोड़ दिया। बहुत सालों बाद जिम में मिले हमारे गाँव में। साक्षी तुम यहाँ? और तब आकाश क्रिकेटर बन गया था और मैं एमएमए करती थी तो फिर तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं है। हम दोनों जब भी मिलते हैं तब हम कुछ अनोखा ही करते हैं। हम दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि हमें लिखना बहुत पसंद है और इस बार हमने एक दूसरे के लिए एक लेटर लिखा है और वो लेटर हम पढ़ने वाले हैं सनसेट के टाइम पे मेरे फेवरेट प्लेस मेरे घर के पीछे वाली टेकड़ी के ऊपर। बहुत प्यारा कन्वर्सेशन हम दोनों ने किया है, बहुत सारी इनसाइडर बातें किए हैं, दोस्ती के बारे में बातें किए हैं और सबसे प्यारी चीज मतलब लेटर के साथ हमने एक दूसरे के लिए ड्रॉइंग्स भी बनाई हुई है और इस वीडियो में आपको मेरे आई से भी मिला दूंगा। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना क्योंकि ये एक ब्लॉग नहीं, ये एक दोस्ती का बॉन्डिंग सेशन है। तो सुनो मेरी बात, तो हम बनाएंगे यहाँ पर, हम लोगों को हमारे साथ लेके जाएंगे। आज तो तुम लोगों के पास जो लेटर्स आ रहे हैं ना उसकी तैयारी काफी चालू हो गई है। आज मैं और आकाश एक दूसरे के लिए छोटू सा आर्टवर्क बनाएंगे और फिर उसके पीछे लेटर भी लिखेंगे। मैं तुम्हारे लिए लेटर लिखूं? हाँ, और मैं भी तुम्हारे लिए। Okay. एक दूसरे इंटरेस्टिंग, क्या आइडिया ये? प्यार नहीं है मेरे पास ज्यादा, प्यार नहीं भरा नहीं रहेगा मेरा। लव लेटर नहीं बोला मैंने, लेटर बोला है गाइस। लव तो अंदर है भाई हमारे, तो हमें मत दिखाओ, अंदर ही रखो तुम्हारे। तो आकाश तुम मेरे लिए फटाफट आर्टवर्क बनाओ और मैं तुम्हारे मैं लिए तो चालू कर दे रहा हूँ अभी। और तो मैं तुम्हें नहीं दिखा, बट यू नो ना माय इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, सो आई एम राइटिंग इन हिंदी। क्या मराठी में लिखूं? एक्चुअली ना लिखो मराठी में, मुझे समझ में आया सब। साक्षी मराठीत बोल ना। तो व्लॉग खूब लांब होईल अगर मैं मराठी में बोलूं। नहीं बोलत राहतेच ऐकायला आवडेल लोकांना, पण मला माझी मराठी छान नाहीये। इतकी छान तर बोललीस तू। मी बोलू शकते पण तुझी मराठी 3 मिलियन लोकांनी ऐकली साक्षी। मी बोलू शकते पण मी खूप अटकते, वाव, म्हणून मी जास्ती नाही बोलत पण मला कळते। साक्षीच्या मराठीसाठी एक लाईक होऊन जाऊ द्या मित्रांनो। पण मला कळते। अपार्ट फ्रॉम दॅट मैं कह रही हूँ की आकाश हम ये बनाएंगे यहाँ और बाहर जाके नेचर में जाके एक दूसरे को दिखाएंगे, फुल वाइब होगा। ठीक है, बनाते फिर चालू करते। मैंने तो चालू कर दिया। तुझ्या हास्यामध्ये जे कृत्य आहे ते सब बात करो आकाश, छिड़के चली जाऊंगी। माइक ना बोलना, काय बोलो। ये है हमारे नेबर मनु। हमारे घर मस्त छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, उन्हें खाने के लिए फ्रूट्स मिलते हैं और खेलने के लिए मेरे बचपन के खिलौने भी। व्हाट इज दिस? कोणत्या स्कूलला आहे तू? इंग्लिश मीडियम। तू का? मी पण इंग्लिश मीडियम। खेलकूद करा। साक्षी मैं बहुत क्यूरियस हूँ, क्या लिख रहे हो मेरे लिए? थोड़ी देर में बताती हूँ, बहुत मजा आएगा। मुझे तो लग रहा है साक्षी बहुत कुछ बुरा भला लिख रही है मेरे लिए। गाली चढ़ा रही हूँ चार पांच। देखते हैं अभी। मैं भी लिख रहा हूँ साक्षी तुम्हारे लिए कुछ तो, लेकिन कैसे बदलते कैसे गुजरते। तो हमने लिखना और ड्रॉ करना तो चालू कर दिया। वैसे साक्षी और मेरा इतना फ्रिक्वेंटली मिलना नहीं होता और कभी भी मिले तो ऐसा एक्टिविटी करते हैं। साक्षी मुझे बहुत पहले से जानती है, बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स के बाद हम मिलते हैं तो एक दूसरे के लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एज अ पर्सन कैसी ग्रोथ हो रही है, ये सब हमें समझ जाता है। रीशूट कर रहे हैं हम दोनों का, हो गया है पोस्टकार्ड रेडी। मतलब तुम्हारा एडिट कर दिया पूरा? तो हाँ। अरे वो कर सकते हैं ना रिसाइकल बिन में जाके। भाई क्या कटिंग दिख रही है मेरे, देखो ना। अरे तुम आकाश, तुम्हारा पोस्टकार्ड रेडी है ना? रेडी है वो। तो अब हम जाएंगे बाहर, हमने पहले वीडियो बनाया और मैंने वो डिलीट कर दिया तो आकाश मचल रहा है अभी। चलो अभी हम जाएंगे बाहर और मिलते हैं ऑन द अदर साइड हम दोनों के पोस्टकार्ड्स लेके। बाय। कैसे हैं? मस्त। तू कैसा है?
हम कब से बैठे ही हैं, आप शॉपिंग गए थे? मैं वो ही आकाश ने बताया पर संडे है तो मैं बोला हाँ मैं सब वगैरह खाना बस नहीं आंटी बहन मैं खाना खा के आई थी कब जाने वाले उधर मैं तो एक हफ्ते चली जा आई आम्ही चाललोय बाहेर फिरायला जाऊ का? आईच्या परवानगी शिवाय जात नाही ना मी कुठे. खरंय काय? मग मग माझा बाजला धारक आहे. तू काय खाते? ओले हरभरे याला हुरडा म्हणतात. मैं और आकाश जा रहे हैं करने. साक्षी मेरा स्कूटी है. हाँ, स्कूटर से. आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर बाय द वे. मैंने बहुत खतरनाक एक्सीडेंट किया है. मेरा गाड़ी आधा फूटा हुआ है. डर लो मेरे से थोड़ा सा. बात ऐसे कर रहे हो जैसे पहली दफा जा रहे हो साथ में. जन्मों के पाप मिट जाए. मैं और आकाश जा रहे हैं बाहर. और कितनी बार बोलोगे? वहां जाकर करेंगे हमारे लेटर्स एक्सचेंज. मनु का छोटा भाई ये बहुत गंदा इग्नोर करता है सबको. अरे क्योंकि वो छोटू है ना और उसे फर्क नहीं पड़ता. वो अपना लाइफ अच्छे से जी रहा है उसको. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. ये पूरा पिछले एक दो महीने से बस यही गाना सुन रही हूँ मैं. राम आएंगे तो अंदर. तो अभी हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं. 5 मिनटात पोहोचूयात आपण सनसेट बघायला. आणि आजूबाजूला कपाशी लावली आहे. कपाशीची शेती आहे. कॉटन कॉटन फार्मिंग चालते आमच्या इथं आजूबाजूला. पीछे सूरज है. पीछे सूरज है. ऊपर चांद. जिस व्हेनेवर यू वर्कआउट ना उस टाइम पे भी बहुत सही लगता है. सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है इसकी बात? उसको क्यों लगता है कि मैं सुन क्या बोले? अरे जब देखो लड़कियों की बातें करता रहता है. आज ये लड़की आ गई आज वो लड़की ना मतलब एक बारी क्या है आकाश गिरते गिरते पढ़ते पढ़ते पहुंच गए. अभी ऑलमोस्ट सन जाने वाला है. अभी लकी है. इतना छोटा सा ट्रिक करना पड़ेगा. और आकाश गिरोगे तो ना. आओ आकाश मेरे बाल देखो. ये लड़की सैंडल्स पे ट्रिक कर रही है. आकाश पुशअप मारता है इधर. वाह सही. वाह जान दे. वाह मैं मुझे रहना ही नहीं मुंबई में. कितना सुंदर है ना आकाश. आकाश 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 सुंदर आकाश. थैंक यू साक्षी. तो गाइस आकाश और मैंने जो आर्टवर्क बनाया एक दूसरे के लिए तो वो शेयर कर लेते हैं. तो फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम दोनों एक दूसरे के लिए लेटर पढ़ने वाले थे. आगे बहुत डीप लेवल पर हमने एक दूसरे के बारे में बातें शेयर किए हैं. तो एंजॉय अवर कॉन्वर्सेशन विद द सनसेट. टाइम टू रीड अवर लेटर्स साक्षी. यस आई एम एक्साइटेड कि क्या लिखा होगा तुमने मेरे लिए. तो दोस्तों लेट्स सी. मैं डालकर आई हूँ अच्छे से. ये लो आकाश. मैं अपना लेटर तुम्हारे लिए पढ़ती हूँ आकाश और तुम अपना लेटर मेरे लिए पढ़ो. तो मैं पढ़ूँ पहले या तुम पढ़ो? स्टोन पेपर सीजर करते हैं. स्टोन पेपर सीजर. स्टोन पेपर सीजर. व्हाट द फक. स्टोन पेपर सीजर. ए क्या है स्टोन पेपर सीजर. कौन जीता? तुम जीते. मैं तो मैं पढ़ूँ पहले या तुम पढ़ोगे?
मैं जीती हूँ तो मैं पढ़ू ना. हाँ जी पढ़ ही लो आप. ठीक है तो तुम्हें अपना ये देखना है पहले आर्ट वर्क ना. मैं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हाँ फ्लावर्स है और बैंडेज से वो टिच किए हुए है किधर तो और लिखा है उधर वाओ कैडी पे साक्षी है ब्रेकिंग मिक्सी ब्यूटीफुल. अभी लेते हो पढ़ो. ठीक है आकाश यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड दैट मेल्ट्स माय हार्ट टू द फुलेस्ट. यू आर अ होप इन पीपल्स हार्ट. They look up to you. You change them. You exist for others. You find happiness in their smiles. I recognize you. But I can also see the underlying knots and pain inside you. That's your real power. Like wildflowers. It requires pain to be beautiful and to make others happy by your presence. Please continue to be a wildflower. Nobody can own your beauty. कितना सही है यार. तो ना एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से. एक तो कितना सही है तो ये ना फ्लावर्स रिजेंबल करते हैं कि वो टूट कर कहीं से आते हैं और किसी के फेस पे स्माइल देते हैं. अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट से टूट कर आता है और फिर एक साथ जुड़कर वो लोग वो प्लांट्स हैप्पीनेस फैलाते हैं. तो तुम भी वो टूटा हुआ फ्लावर हो एक वाइल्ड फ्लावर ऐसा मैंने ड्रॉ करके वो मैं रिसेम्बल करना चाहती थी. तो मुझे पता है कि तुम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो. जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था ये इंस्टाग्राम जब तुम कुछ थे भी नहीं जब बस तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और तुम्हें बस क्रिकेट पसंद था और तुम सारा दिन क्रिकेट खेलते थे. तो तुम वहाँ से अब यहाँ आ गए हो जहाँ तुम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देते हो इंस्पायर करते हो बच्चे तुम्हारे तरफ एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं. तुम हैप्पीनेस देते हो लोगों को तुम हर जगह जाके रेडियंस फैलाते हो. तो तुम वही वाइल्ड फ्लावर हो जो एक ओरिजिनल जगह से आया है. थ्रू पेन यू हैव गेन्ड अ लॉट और अभी तुम वो सबको देते हो. ऐसा मैंने लिखा है. ऐसा मैंने लिखा है. ये है आकाश के लिए ये है और उसके पीछे है ये लेटर. तो लो आकाश बहुत मुझे इमो वीडियो नहीं बनाना बिल्कुल. थैंक यू यू आर वेलकम गाइस. इमोशनल वीडियो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपने को नहीं चलता है इतना इमोशनल ना वीडियो चालू है. चलो हम लोग प्लेयर चालू किया है नहीं. अरे बाप रे ओ कितने अच्छे हो साक्षी तुम. थैंक यू आकाश. आकाश ना मेरा वो काफी पुराना दोस्त है तो मैं उसे थोड़ा सा जानती हूँ इसलिए मैं लिख पाई. आकाश आग लगी है वहाँ देखो. बाप बहुत बड़ा आग लगा है. स्काई देखो गाइस. कैन यू लुक एट द कलर्स की मामा मिया. मतलब अपने को खुद को पता नहीं रहता क्या चालू कर रहे क्या कर रहे हो. मैं खुद को पता नहीं था लेकिन तुम देख रहे हो सब तुम्हें पता है कि कैसा. और मैं तो और मेरे लिए ना मैं आकाश को जल्दी जल्दी नहीं मिलती हूँ काफी टर्म्स के बाद मिलती हूँ. हम या तो मैं गांव आती हूँ आकाश के लिए. बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स रहते हैं साल साल काफी ज्यादा टाइम के बाद आकाश और मैं मिलते हैं. तो जब भी छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं ना तो वो हम लोगों को दिख जाते हैं. अगर मेरे अंदर कुछ चलता रहता है तो वो शायद आकाश को दिख जाता है. आकाश कुछ नया करके कोई न्यू लड़की का लफड़ा वगैरह लाता है ना अगर तो वो मुझे एकदम से समझ जाता है. तो हाँ ठीक है तो मैं जानती तो हूँ अपने दोस्त को. बाकी ओ माय गॉड आकाश कलर्स देखो जरा. इट्स सच में कितना सुंदर है. वंडरफुल सब कुछ सुंदर है आज जो हो रहा है वो भगवान. व्हाई यू आर डूइंग दिस भगवान. क्या बढ़िया है सच में ना यार मैंने देखा ही नहीं. चलो गाइस मेरा ले तो. यार साक्षी तुम कितने अच्छा लिखा. मैं अब ये हो गया. मैं बहुत श्योर हूँ कि तुमने मुझसे ज्यादा तो ऐसा ये आर्ट वर्क है. वाओ ये टियर्स. ये तुम्हारा आकाश ने मेरी बालियां बनाई है. तुम्हारा पोर्ट्रेट है. आकाश ने मेरी बालियां भी बनाई है. वाओ
हम साथ में ही तो बना रहे थे, वो तो मैंने देखा नहीं लेकिन पढ़ता कम लिखा है, लेकिन सुनो अभी मेरे को जो बहुत दिल से आया वो लिखा है। प्रिय साक्षी, डियर साक्षी, माझी आई बोलते की काळजी करणाऱ्यांची काळजी करा। मला माहित आहे आपल्याला एकमेकांचं काहीच फायदा नाही आहे, तरी सुद्धा आपण सोबत आहेत, एकमेकांना वेळ देतो, काळजी करतो सेल्फलेसली। हीच मैत्री आहे ज्यात दोघांचं काम आहे, ज्यात दोघांना काम आहे पण दोघी कामात व्यस्त असून सोबत आहे। मला वाटतं की तू माझ्या आयुष्यात खूप पुढे, मला वाटतं की तू तुझ्या आयुष्यात खूप पुढे जाओ आणि तू जाणारच आहेस, मी आहे सोबत। थँक्यू आकाश, थँक्यू, मुझे लगता है थँक्यू थँक्यू। हाँ बोलो। उन लोगों को साथ रखना चाहिए जो सेल्फलेसली साथ रहते हैं, अपने को कुछ फायदा नहीं एक दूसरे का, कुछ नहीं। और अपन ऐसे भी दोस्त नहीं कि बहुत बचपन से एकदम ऐसा थे कि सेल्फ, जब भी निरागस रहते, निरागसपन जो दोस्ती बनती है सेल्फलेसली, जो दोस्ती बनती है वो रियल रहती है, लेकिन वैसा नहीं था कुछ भी। अभी मैं अडल्टिंग के टाइम पे दोस्त बने, फिर भी वो निरागसता है उसमें, वो सेल्फलेसनेस है, वो जेन्युइननेस है, वो ऐसा नहीं रहता अभी बने, अभी होने वाली दोस्ती में। आकाश और मैं ऐसे हैं कि अगर हम एक दूसरे से एक साल तक भी बात नहीं करेंगे तो हमें पता है कि अगर फिर हम सडनली एक दूसरे से मिल लेंगे या बात कर लेंगे, मतलब आकाश इज द पर्सन जिससे मैं अगर एक साल बात ना करूं पर फिर एक साल बाद उसके पास जाऊंगी तो पहला क्वेश्चन वो मुझे ये नहीं पूछेगा कि साक्षी किधर थी एक साल से बात नहीं किया, वो एक्सेप्ट करेगा, वो फिर बात करेगा और फिर पूछेगा कि साक्षी क्या तुम आप ठीक हो, क्या चल रहा था ऐसा वैसा, मतलब पता ही रहता है। हम वो दोस्त नहीं है कि जिनको हर रोज या हर महीने मिलने की जरूरत पड़े, पर हम एक दूसरे की शादी में जाएंगे। हाँ। साथ नहीं रहते फिर भी सब पता रहता है, साल बाद भी मिले ना तो भी ऐसा रहता है कि आप सब पता है इसके बारे में। टच में रहते हैं बिल्कुल, ज्यादा टच तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। हाँ मतलब हम, हमें पता रहती है बाय हार्ट वी आर टुगेदर। और फिर मैं गांव आती हूँ आकाश को एक दफा मिलने, तीन चार महीने। स्वीट दोस्त है। और फिर मैं यहीं रहती हूँ एक दो हफ्ता और फिर अच्छे से आकाश को मिल के वापस चली जाती हूँ। ये पूछती हूँ वो जो केयर है अगर कोई दे रहा है तो उसे देना चाहिए वापस, अगर कोई टाइम दे रहा है उसे टाइम देना ही चाहिए। तो मुझे लगता है अभी मैं भी मेरा सब काम छोड़ के अभी जो कर रहा था एडिटिंग नहीं करना, मेरे को पैसा गया खड्डे में, मेरे को दोस्त को टाइम देना है, उसको बोलूँगा मैनेजर को कल करेंगे, लेकिन तुम्हें टाइम देना है मेरे को, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम, तुम्हारा इतना प्रीशियस टाइम लेके आए हो अपने इधर। थैंक यू आकाश। और ज़रूरत भी नहीं है हर बार साथ में ही चाहिए कोई दोस्त दोस्ती निभाने के लिए, अपन साथ नहीं रहते फिर भी अपने को पता रहता है कि कोई तो है साथ में। अभी मुझे तो लगता है कि मेनली अभी हमारा जनरेशन में फ्रेंडशिप का टर्म बहुत मीनिंग बहुत छोटा हो गया है। अभी तुम्हें फ्रेंड्स बस ज़्यादा तभी मिलेंगे जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए या फिर जब तुम फायदा सब लोगों के पास इनफ रिसोर्सेज हैं मज़े करने के लिए, साथ रहने के लिए, हैप्पी मोमेंट्स जीने के लिए, बट दैट वन डे, वो एक दिन के बाद ऐसा कोई फेस चालू होगा कि ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे पर वो लोग रुकेंगे जो पीपल हु सी थ्रू यू, पीपल हु सी यू एंड नॉट द थिंग्स अराउंड यू और थिंग्स दैट यू पजेस। बहुत कम लोग होते हैं जो बस चाहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हारे साथ रहें, बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं। मेरे लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है ये, पर नहीं मतलब एक्चुअली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ प्रॉपरली अ सोशल पर्सन, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं पर आई डोंट सोशलाइज, उनको मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ। और मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ। मैंने मुझे पता है पर मुझे ये नहीं पता कि बताया कैसे जाए। मैं या तो सब लोगों को एक साथ दूर कर देती हूँ या तो सब लोगों के साथ रहती हूँ, खुद के साथ अकेले, मुझे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है
तो इसीलिए मुझे समझ जाता है कि कौन से दोस्त मेरी स्पेस में एंटर कर सकते हैं और कौन से दोस्त मेरी स्पेस में एंटर नहीं कर सकते. और नाउ इज़ द टाइम कि मैं बिल्कुल लोगों से बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल कहीं हूँ ही नहीं, पर मुझे चलेगा कि मैं आकाश को मिलूँ. मैं क्योंकि आकाश वो स्पेस में है, आकाश मेरा दोस्त है जो जिससे मैं मिल सकती हूँ जब मेरा मन करे या जब भी. तो फ्रेंड्स तो बहुत आएंगे इन शॉर्ट, पर दे आर एक्चुअली नॉट योर फ्रेंड्स. मुझे पता है आकाश फ्रेंडशिप क्या होती है, कैसे होती है, प्रॉपरली कब समझा, नारुतो से. इसीलिए मेरे पास नारुतो का टैटू है और बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए शो. तो मुझे तो फ्रेंडशिप वहीं से समझ आई. सच में ना साक्षी, मतलब अपन कुछ पर्सनल घुसते ही नहीं है, ना एक दूसरे को पर्सनल पूछते हैं, ना कुछ है करते, सिर्फ रहते हैं साथ में, सिर्फ नॉर्मल गप्पे करते हैं. हाँ, जैसे कि एकदम पुराने दोस्त है, एकदम पक्के दोस्त है वैसा. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है साक्षी, अगर वो कंफर्ट जोन है तुम्हें लगता है कि मैं है, बहुत सही है. Yes, और ऐसा ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि हर बार मिलेगा, रोज ही मिलना है, रोज ही बातें करना. वही, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप्स आर नेवर मेंट टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बस है, वो तुम्हारा एस्केप है एक्चुअली. अगर तुम्हें दुनिया में मजा नहीं आ रहा है तो तुम चार दोस्तों को मिल सकते हो और वहां पे तुम्हें रियलाइज होगा कि यू आर बैक टू लाइफ, कि लाइफ में ये भी है, यहाँ भी मैं जा सकती हूँ जहाँ मुझे कम्फर्ट मिलेगा. फ्रेंडशिप्स आर सपोज टू बी दैट. मैं व्हेन आई टॉक अबाउट, आई एम सॉरी, व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स, सर्टन फ्रेंड्स, आई जस्ट नो आई ओनली हैव अ फ्यू, ओनली अ फ्यू आई हैव. मेरा एक दोस्त है गौरव, मैं उसको प्यार से गऊ बुलाती हूँ और मेरे अलावा उसे कोई गऊ नहीं बुलाता, पर मैं उसे सिर्फ गऊ बुलाती हूँ. तो गऊ और मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर में मिले और अभी मैं फिफ्थ ईयर में हूँ, तो 5 years ऑफ फ्रेंडशिप. पर मुझे पता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स, अरे स्माइल कर रहा हूं, क्या कर रहे हो तुम. व्हेन आई टॉक अबाउट बेस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे पता है कि गऊ इज द पर्सन दैट आई एम नेवर गोइंग टू लूज, नेवर. अगर मैं ट्राई भी करूंगी ना कि गऊ को लाइफ से पुश करूं, वो फिर भी नहीं जाएगा कहीं. और वो मेरा दोस्त ही है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है, वो मेरा दोस्त है. गऊ की अपनी गर्लफ्रेंड है राशि. अगर राशि ने ये वीडियो देख लिया तो फिर वो मारेगी उसे. तो राशि उलट खुश होगी कि वाह, अपने बॉयफ्रेंड के लिए कितनी तारीफ हो रही है. नहीं, पर इसीलिए मैं जानती हूँ कि फ्रेंडशिप का, गऊ की वजह से मुझे तब तक मेरे पास कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जो जिनके ऊपर मैं काउंट कर सकती हूँ, जिनके जब अगर मैं मरती रहूंगी तो, जब अगर मतलब मैं कभी भी बस उसे बुला सकती हूँ, कभी भी उससे बात कर सकती हूँ और जब मन चाहे उसको बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. और वो वैसा ही रहेगा, वही रहेगा, और वो अपना पूरा फुलेस्ट विल यूज हिज पावर टू रिजॉल्व माय प्रॉब्लम. तो मुझे एक्चुअल में इस लाइफ में तो गऊ की वजह से समझा है कि फ्रेंडशिप ऐसी होती है. हाँ, उसके पहले मुझे कभी समझा नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हमेशा बस किसी ना किसी चीज के लिए ही थे मेरे अराउंड, और वो काम हो गया और चले गए. हाँ, और सेम मेरा भी वही एक्सपीरियंस था. या तो वो उनके लिए एक स्टेटस था कि मैं साक्षी का दोस्त हूँ शायद, और या तो उन्हें बस कुछ चाहिए था मुझसे, या तो उन्हें पता नहीं, दे वर ऑलवेज देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर. But after Gau, I started realizing that people are there, people you can see through, people who will see through you, and Akash and I are like that. Akash aur maine hamesha ek dusre ke presence ko value kiya hai. Ek dusre ke log bahut aate jaate lekin hum sirf thehrte hai, sirf hai, na aana hai na jana hai, sirf rehna hai. To hum 5 mahine tak kya kya kiya, fir hum achanak se aake sab kuch share karenge ki Akash aisa hua aur chale jayenge wapas. Meko sabse pehla dosti ka kaise laga pata hai, mera ek roommate tha aur meko itna acha bond bana na, hum 3 mahine saath mein the, meko laga life mein kabhi experience nahi tha ki best friend. Main janti hu, sakshi ko sab pata hai. मैं जानती हूँ. मेरे को लगा वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बहुत करीबी दोस्त है, और मेरे लाइफ में कभी इतना अच्छा दोस्त आया नहीं, और मैं उसको बहुत केयर करने का, अटैच थे हम दोनों,
वो उसको बोला कि भाई पानी लेके आ, पानी लेके आने का, हॉटस्पॉट चालू करने का बोला, हॉटस्पॉट चालू कर देने का, वो मेरे सिवा खाने का नहीं, मैं उसके सिवा खाने का नहीं। मेरे को लगा कि बहुत सही दोस्त है ये, लेकिन उसका कोर्स खत्म हो गया, जॉब खत्म हो गया, 3 महीने हो गए उसके रूम के, वो चला गया उसके गाँव और उसके बाद उसने कभी कॉल नहीं उठाया, कभी मैसेज को रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। और तो तभी मेरे को समझ आया कि वो मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा रूममेट था। और तुम तब से डिलेमा में रह रहे हो कि हुआ क्या, आकाश को कभी क्लोजर मिला ही नहीं। हाँ ना, मतलब हुआ क्या था, लेकिन चला क्यों गया, वो रीजन क्या था उसका, तो ये कि वो दोस्त नहीं था, वो नहीं रूममेट ही था, सिर्फ वो 3 महीने के लिए ही था साथ में और तुम अटैच हो गए। हाँ। और हम बहुत बारी, हाँ तो मैंने भी यही काफी सालों तक, और फिर मैंने दोस्त वो जो कॉलेज में तुम्हारे साथ थे वो तुम्हारे कॉलेज मेट है, जो जॉब में वो कलीग्स है, सबको दोस्त ही बोल देने देते हैं, दोस्त नहीं रहते, दोस्त तो बहुत ही प्रीशियस टर्म है, रेयर टर्म है, अपन सबको दोस्त बोल देते हैं फिलहाल। पर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं? हाँ दोस्त हो गए अपना, कोई दूसरा कोई यही नहीं बोलने के लिए। कितना सही आकाश। हाँ साक्षी, तुम्हारा आर्टवर्क, तो ये आर्टवर्क का ये था, आर्टवर्क इज इम्पोर्टेंट, आर्टवर्क तो समझा ही, आर्टवर्क का ये है, आर्टवर्क का उधर दिखा देंगे। तो ये फ्लो है, ये ओशन है, तुम्हारा एक फ्लो है जो कभी कभी खत्म नहीं होगा, ओशन कभी खत्म नहीं होता, तो तुम बहते ही रहोगे, जाते ही रहोगे, जाते ही रहोगे, जाते ही रहोगे ओशन की तरह, विदाउट किसी, कोई पता नहीं रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं रहेगा, सिर्फ तुम रहोगे और तुम जाते रहोगे, तुम्हारा नाम बदलता रहेगा, तुम्हारा काम बदलता रहेगा, जो आज हिंद महासागर है वो आगे जाके अरबी महासागर बनेगा, तो तुम बदलते रहोगे लेकिन तुम रहोगे, तुम खत्म नहीं होगे कभी, तो वो तुम ओशन हो, ये तुम्हारा सेल्फ पोर्ट्रेट है। और बाकी जो आंखें जो बनाई वो है किचड़ मिचड़ 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 जो चालू रहता है अपना कुछ भी दिमाग में, वो मेरे को दिखाना था। और पर्सनल है लेकिन ऐसा बताने जैसा नहीं है, नहीं बताऊंगा, तुम्हें समझ जाएगा, तुम्हारा तुम देख लो। और पता है ये दो क्यों बनाए तुमने, ये ना दो जो तुमने बालियां डाली है वो क्या रिप्रेजेंट करता है पता है क्या, कि तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो आगे, साथ में जाना चाहते हो किसी के, तो मतलब तुम आगे अकेले नहीं बढ़ना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ने का है, तो तुमने एक नहीं रखा, एक के साथ किसी को तो रखा है, तो फिर तुम साथ में लोगों को लेके जाने वाले आदमी हो, इंसान हो, इसलिए वो दिखता है तुम्हारे इससे ऊपर पर्सनैलिटी जो तुमने दो बालियां लिखा है, तो फिर वो है साथ में जोड़ी से आगे जाओगे, तुम्हारा जो भी हस्बैंड रहेगा बहुत लकी रहेगा साक्षी। ओह माय गॉड, और ये पूरा फेस है, और तुम्हारे आईज और ईयर्स बहुत बड़े हैं। वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम बहुत अच्छे से सुनते हो, देखते हो, ऑब्जर्वेशन बहुत सही है तुम्हारा। आकाश मुझे सब लोग बोलते हैं कि यू आर अ गुड लिसनर। ओह माय गॉड, इसलिए तुम अच्छे से देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, सुनते हो, लेकिन इधर तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम शांत हो, रिलैक्स हो, तुम्हें पता है कब खोलने का कब नहीं खोलने का, जिस चीज जिसको तुम ज्यादा सुनते हो, ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हो ना, उसके लिए तुम सिर्फ तुम हो, कुछ नहीं बोल, चिल, रिलैक्स, ऐसा है बहुत कुछ इसमें, तो दिस इज फॉर यू साक्षी। ओह माय गॉड, थैंक यू आकाश, थैंक यू फॉर केयरिंग। हाँ ना, कितने सही लोग हैं, इतना देखा ही सबने, इतना टाइम तक अपना कन्वर्सेशन सुना, सो स्वीट लोग। गाइस अगर तुम लोग को भी चाहिए प्लीज पोर्ट्रेट्स, तो नहीं नहीं सेल करना अभी, और रेयर रखने के सिर्फ तुम्हारे से लोग के लिए। अरे पर नहीं, this is actually this super nice, this thank you sir. पर तुमने ये तो मेरा चीक तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। नहीं, तुम देख लो तुम्हारा अभी, क्यों द डॉट से ऐसा ना, पता है वो ग्लो दिखाना था, ग्लो है वो, जैसा सन ग्लो करता है ना वैसा है वो, ऐसा सन के आजू बाजू भी रहते ना वो सब लाइंस, तो वो तुम्हारे आंख है ना वो सन है। ओह माय गॉड, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सगळ्यांना, मनापासून धन्यवाद। तो गाइज ऐसी है हमारी दोस्ती, और मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग मेरे साथ हो, और थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा, दिल से शुक्रिया। यू आर सच अ काइंड लोग जिन्होंने देखा ये पूरा ब्लॉग।
थँक यू सो मच फॉर दिस अँड थँक्यू सो मच साक्षी, इतकं सुंदर बनवलंस माझ्यासाठी. आणि खूप छान अक्षर आहे तुझं. युअर हँड रायटिंग इज रिअली नाईस साक्षी. थँक्यू. ये बाय. हॅपी एंडिंग. हॅपी एंडिंग.